दिल्ली पुलिस ने दिल्ली NCR में प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट्स को कथित रूप से ब्लैकमेल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय भरत खट्टर के रूप में हुई है। आरोपी एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट मैनेजर के रूप में काम करता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी भरत खट्टर 7वीं और 8वीं क्लास की स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से अपना निशाना बनाता था। पहले वो उनसे दोस्ती करता था, फिर सोशल मीडिया पर उनकी फोटो में छेड़छाड़ कर फेक प्रोफाइल बनाकर उनकी न्यूड फोटो अपलोड करता था। फेक प्रोफाइल बनाने के बाद वो लड़कियों से फोटो डिलीट करने के बदले सेक्सुअल फेवर जैसे वीडियो सेक्सटिंग की मांग करता था। चूंकि लड़कियों की उम्र कम थी तो वो पुलिस में शिकायत करने से बचती थी। पुलिस ने अब तक 7 पीड़ित बच्चियों की पहचान कर ली है। इनमें से 2 बच्चियों ने तो पुलिस में भरत खट्टर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। DCP साउथ अतुल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने खट्टर को उसकी इंटरनेट एक्टिविटी और सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। इससे पहले साउथ दिल्ली की एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। महिला ने कोटला मुबारक पुलिस स्टेशन में अपनी नाबालिग बेटी की फेक इंस्टाग्राम ID बनाने की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी को अश्लील संदेश और फोटो भी भेजे जा रहे हैं। DCP ठाकुर ने बताया कि शिकायत के बाद ACP विजय विधूड़ी और इंस्पेक्टर अजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इसके बाद फेसबुक के जरिए बातचीत की गई। पुलिस ने इस मामले में IPC की धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। पुलिस टीम ने 1 अप्रैल को संदिग्ध को फरीदाबाद की NIT कॉलोनी से गिरफ्तार किया। आरोपी फरीदाबाद के नामी स्कूल का छात्र रह चुका है। इसके बाद उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCOM ऑनर्स की पढ़ाई की। वह पिछले 2 साल से एक इन्वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा है। वह एक लड़की का फेक प्रोफाइल के मामले में फरीदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन में भी एक केस में शामिल रहा है। पुलिस ने उसके पास से अपराध में प्रयोग किए गए 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।